और अगर आपको लगातार सिर्फ औरतों से ही प्यार हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका प्यार आपके हार्मोन्स की वजह से है। बेहतर है कि आप ये समझ लें। तो अगर प्यार सच्चा है तो वो बिना किसी चीज के भी होगा। मुझे खुशी तब होगी अगर आप 3 अरब महिलाओं के प्रेम में पड़े। मैं दुनिया की सारी महिलाओं के प्रेम में हूँ, और पुरुषों के भी और चींटियों के भी। अगर आपको एक औरत से प्यार हो गया, या एक पक्षी से, एक चींटी से, एक पेड़ से, या किसी से भी, तो वो प्यार किसी चीज की वजह से नहीं होता। आप बस प्यार में होते हैं। पर अगर आपको लगातार सिर्फ औरतों से ही प्यार हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका प्यार आपके हार्मोन्स की वजह से। बेहतर है कि आप ये समझ लें। तो जो किसी चीज की वजह से है, आप उसे प्यार का नाम देना चाहते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें प्यार बिल्कुल नहीं है, प्यार है। पर क्या सच्चा है और क्या नहीं है, इसे आप इस आधार पर तय नहीं कर सकते कि क्या कारण था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये इस पर है कि आपने कैसा महसूस किया। चाहे शादी करके आपको यह एहसास हुआ कि यह प्यार नहीं था, या शादी नहीं हो पाई और आपको लगा कि आपका यह प्यार सच्चा था जो पूरा नहीं हो पाया। ये आप पर है कि आप इसे कैसे लेते हैं। पर असल में प्यार का मतलब है, अगर आपका शरीर बहुत खुश हो जाए तो आमतौर पर हम इसे सेहत और सुख कहते हैं। अगर आपका मन बहुत खुश हो जाए तो हम उसे शांति और आनंद कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं बहुत खुश हो जाएं तो हम उसे प्यार और करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जा बहुत खुश हो जाए तो हम उसे परमानंद और उल्लास कहते हैं। तो आप जिसे प्यार कह रहे हैं, वो खुशी का एक खास पल है। अब आप मानते हैं कि किसी और ने आप में ये प्यार पैदा किया है। शायद किसी ने आपके अंदर प्यार की शुरुआत की हो, या प्यार को प्रेरित किया हो, पर असल में ये आपकी भावनाएं हैं जो बहुत खुश हो रही हैं, जिसे आप प्यार कह रहे हैं। तो अगर प्यार सच्चा है तो वो बिना किसी चीज के भी होगा। अगर वाकई सच्चा प्यार है तो उसका मतलब है कि आपने अपनी भावनाओं को बहुत मधुर बना लिया है। चाहे आपके सामने कोई आदमी हो, या औरत हो, या पेड़ हो, या चींटी हो, या एक हाथी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बस अपनी भावनाओं को मधुर बना लिया है। हर वो चीज जिसे आप देखते हैं, उसके लिए आप में एक खास मिठास है। यही प्यार है। अब लगातार ये 1, 2, 3, 4 महिलाओं से प्यार हो, इट्स ड्रिवन बाय हार्मोन्स। नथिंग, आई एम नॉट सेइंग इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ इट। तो ये हार्मोन्स वाला प्यार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ गलत है, पर आपको इसकी सीमा को समझना होगा। अगर ये शादी के रूप में एक स्थायी संबंध बन पाए या जो भी, तो आपको लगता है कि प्यार सफल हुआ, वरना आपको लगता है कि प्यार असफल रहा, ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे खुशी तब होगी अगर आप 3 अरब महिलाओं के प्रेम में पड़े, और बाकी 3 अरब पुरुषों को छोड़ मत दीजिएगा। अगर आप 3 अरब महिलाओं के प्रेम में पड़े तो वो हार्मोनल नहीं होगा, वो बस प्रेम होगा। मैं दुनिया की सारी महिलाओं के प्रेम में हूं, और पुरुषों के भी, और चींटियों के भी, और उस मिट्टी के भी जिस पर मैं चलता हूं, और उस पेड़ के जिसके नीचे अभी हम बैठे हैं। हर वो चीज जो आपको नजर आए आप में, उसके लिए भावनाओं की मिठास होनी चाहिए, वो प्रेम है। और प्यार किसी दूसरे के लिए नहीं होता, इसका मतलब है कि आप में मिठास है, सच्ची मिठास। और क्या ये सही है या गलत है, ये और वो, बात ये नहीं है। प्यार में जीना बुद्धिमानी है। संसार में भरपूर कड़वाहट है, चाहे आप कितनी भी सावधानी से चलें, आपका सामना किसी न किसी चीज से होगा ही। और जब ऐसा है तो आपको अपने अंदर अपनी खुद की कड़वाहट पैदा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जिंदगी में सिर्फ 3 ही बार प्यार किया है तो मैं इसे आपका दुर्भाग्य कहूंगा, क्योंकि बाकी के समय आप खुद के भीतर उस मिठास को नहीं जान सके। जीवन में हर घड़ी आपको उस खुशी को जानना होगा। आपको लगातार प्यार में पड़ना चाहिए, हर चीज के साथ। महिलाएं भी शामिल हैं, उनमें क्या दिक्कत है? क्योंकि आप 3 अरब महिलाओं के साथ संबंध नहीं बना सकते, तो आपने एक को चुना। एक आसान है। अगर आप 5 से शादी करें तब आप पाएंगे कि वो बहुत दुखदाई है। हाँ?
एक आसान है। और सबसे बढ़कर आप किसी के साथ रिश्ता इसलिए बांधते हैं, आप जीवन में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा चाहते हैं जिसके साथ कोई रोक टोक ना हो। अगर आप नए इंसान से जुड़ेंगे तो हमेशा थोड़े बहुत टकराव और खेल चलते रहेंगे। नए इंसान के साथ झूठी लड़ाइयां चलती रहती हैं। एक इंसान के साथ आप आराम से जीना चाहते हैं ताकि आपको खेल न खेलने पड़े। कम से कम एक व्यक्ति के साथ आप पूरी तरह से आराम से रहना चाहते हैं, सोच यही है। आप कम से कम एक इंसान इसलिए चाहते हैं क्योंकि अभी आप उस जगह पर पहुंचे नहीं हैं जहां आप बस खुद ही जीवन के साथ आराम से रह पाए, क्योंकि आप अपने आसपास की सभी जीवों और चारों ओर मौजूद जीवन के लाखों अभिव्यक्तियों के साथ आराम से नहीं रह पाते। तो कम से कम एक व्यक्ति के साथ आराम से रहना चाहते हैं, तभी एक रिश्ता खोजा जाता है या एक बंधन में बंधा जाता है। तो जो लोग इससे आगे देखते हैं, वो लोग एक इंसान के साथ आराम से जीने को महत्व नहीं देते, क्योंकि अब वो हर चीज के साथ आराम से रह पाते हैं। वो सृष्टि में हर चीज के साथ बिल्कुल सहज हैं। अब उन्हें ऐसा रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है जहां सिर्फ एक ही रिश्ते में कुछ आराम हो, बाकी हर जगह आप जैसे युद्ध में हो, हमेशा खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसी जगह जहां आप अपने कवच को नीचे रख सकेंगे, क्योंकि सिर्फ तब जब आप अपने कवच को नीचे रखेंगे तभी आपके भीतर कुछ खूबसूरत होगा, तब आप में खुद को बचाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो एक परिवार बनाने या समुदाय या राष्ट्र की बड़ी पहचान बनाने का विचार बस यही है कि एक ऐसी जगह हो जहां आप अपने कवच को नीचे रख पाए और बस सहजता या आराम से जी पाए, क्योंकि सिर्फ उसी सहजता में दूसरी संभावनाएं प्रकट होंगी, वरना आप बस एक जानवर जैसे बन जाएंगे, बस लगातार खुद को बचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो प्यार एक ऐसी संभावना है खुद को बचाने की प्रवृत्ति से परे जाया जा सके, ताकि आप खुद को बचाने की कोशिश के बजाय खुद को किसी चीज या व्यक्ति को दे देना चाहते हैं, और उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आप ऐसा बस जिंदगी के साथ कर सकते हैं।